बीते 9 जून की रात्रि को क्रीडी सीसीएल सुरक्षा गार्ड के ऊपर हुए जानलेवा हमले में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। इसके पहले तीनों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। मुफस्सिल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 48 घंटे के अंदर 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार आरोपियों में बनियाडीह निवासी उमेश दास व भीम कुमार दास और मेहताडीह निवासी महेंद्र दास शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त खून लगा लकड़ी का धारदार पट्टी भी बरामद किया है। बता दें कि 9 जून की रात्रि में इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि करहरबारी निवासी सीसीएल के सुरक्षा गार्ड रिंकू कुमार रात्रि पाली की ड्यूटी करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक पुल के पास घात लगाए बैठे 10 से 12 अपराधियों ने इनके आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लाठी डंडा और तेज धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गए। मृत समझकर सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए गिरिडीह के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस इन तीनों अपराधियों से पूछताछ कर अन्य की तलाशी में जुट गई है। छापेमारी टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। अब दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर परहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडॉन्टिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज 32 और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।